तो आज सावन का लास्ट सोमवार है, तो आज हम जा रहे हैं मंदिर। तो आज मैंने पहना है ग्रीन एंड रेड, और साइड में मैंने देखो इधर बेलपत्र ले लिया है, दूध ले लिया है, लेकिन मैं 5 नंबर नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत भीड़ है वहाँ पे। और हाँ, मैंने ये ग्रीन कलर का भी चूड़ी पहना है, बहुत प्यारा लग रहा था तो पहन लिया मैंने। और अभी जो है ना, रोड में देखो काफ़ी सारे फूल मिल गए थे मुझे, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो रुक जाओ, थोड़े बहुत फूल भी ले लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ से 2-3 फूल तोड़े, और घर में ना एक भी फूल नहीं है क्योंकि सारे फूल ना मैंने तोड़ के मंदिर में चढ़ा दिया था, तो फिर मेरे को ध्यान नहीं था। लेकिन कोई ना, हमें लकीली ये फूल मिल गया। और यहाँ पे जो है, मेरे हस्बैंड भोग लेके आए हैं, तो एक प्रियतम के लिए लेके आए हैं और एक मंदिर के लिए लेके आए हैं। और यहाँ पे देखो माधव उसके चाचा के साथ एंजॉय कर रहा है, मैं खुद पीछे बैठ के ज़्यादा एंजॉय करती हूँ क्योंकि मैं पकड़ा देती हूँ ना माधव को। और अभी जो है ना, मैं आ गई हूँ शिवतला, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है आना, और बहुत शांति होती है यहाँ पे, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे आ गई। और मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि शिवतला आऊँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत बहुत शांति मिलती है, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है, अभी पहले तो ये आंटी पूजा कर रही थी, उसके बाद फिर हम करने वाले हैं। मैंने फर्स्ट सोमवार और ये लास्ट सोमवार जो है अटेंड किया, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एकदम फर्स्ट वाला सोमवार जो है पूजा किया और लास्ट वाला। तो ये दो जो सोमवार है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है, बीच वाले भी होते हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन जो पहला और लास्ट जो है वो कुछ ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए फिर हम भी। और हमारा पूजा जो है वो हो गया है, अब चलते हैं घर की। और मौसम ठीक ठाक है, धूप धूप सा है, थोड़ा बहुत गर्मी है पर, लेकिन उतने भी नहीं, मतलब उमस नहीं है बिल्कुल भी। और अभी जो है हम घर की ओर जा रहे हैं। मैं इधर दिखा रही थी कि एक ना फूल का पेड़ है वहाँ पे, मतलब गांव में रहने का अलग ही है ना कि कहीं पे भी आपको फूल के पेड़ मिल सकते हैं। और अभी माधव पी रहा है दूध, तो इसलिए फिर वो थोड़ा शांत बैठ जाएगा। अभी घर जाऊंगी, बहुत भूख लगी है मुझे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से लेने वाली हूँ समोसा, क्योंकि बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह नाश्ता नहीं बनाया था। और अभी जो है यहाँ से लेने वाले हैं मेरे हस्बैंड समोसा, और ये जो है ना, ये बहुत मज़े का बनाते हैं, मैं बचपन से यहाँ का खाते हुए आ रही हूँ, बहुत मज़ेदार बनता है सीरियसली। कभी आप लोग भी ट्राई करना, यहाँ का बहुत मज़े का समोसा बनता है। और मैंने कहा था कि यहाँ पे छोला लाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं है, फिर बाद में देखा कि इस बैग में तो छोले भी है, तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई और बहुत मज़ा आ गया। और यहाँ पे मैं निकाल दी हूँ प्लेट में, लेकिन माधव निकालने दे ही नहीं रहा है। और फिर मैंने अभी समोसे को ना चपटा किया और इसके अंदर डाले मैंने छोले, बहुत बहुत टेस्टी लगता है, कभी ट्राई करना ऐसे। जब हम लोग स्कूल जाते थे तो यही हम टिफ़िन में भर के लेके जाते थे, और इसमें मैंने डाला है लाल चटनी, ओहो ये तो बहुत यम्मी होता है। और आप सब भी कभी ट्राई करना समोसा छोला, बहुत मज़े का बनता है। और यहाँ पे देखो मेरा भाई जो है यहाँ पे रिजल्ट रख के गया है। मैं घर आई, घर आके देखा कि दरवाजे के नीचे से ना उसने अपना रिज़ल्ट फेंक के गया कि रख के गया, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे देखो माधव की तशतानी कर रहा है। और अभी के लिए बाय बाय।